हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो बस मैं घर के कामों में लगी हूँ और बस यही गाय के वो दलिया जो होता है वो गलाने के लिए आई हूँ। और ये है हमारा चक्की का कमरा, तो इसमें हम दलिया डालूँगी। कौन सा दलिया खिलाते हैं वो बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह का दलिया है जो कि हम गाय भैंस को खिलाते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे दूध भी बढ़ता है उनके। तो ये ऐसे वाले दो टिप्पिन होते हैं जो हम उनको, इसको क्या है कि 2-4 घंटे गालते हैं तब ये अच्छे से होता है। तो अभी बस 9:30-10 बजने वाले हैं, तो हम इसको क्या है कि 2-3 बजे रखेंगे उनको। तो ये मैंने 2 टप के अंदाज से ले लिया इसके अंदर। अब इसको पानी से भिगो के रख देंगे ताकि फिर 1-2 बजे जब हम कुट्टी वट्टी 1-2 बजे कुट्टी रखनी पड़ती है तो उस टाइम कुट्टी में डाल के खिलाएंगे। भिगो के यहाँ पे रख दिया ताकि आराम से ये गल गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमारी चक्की है, ये चक्की का कमरा है छोटा सा। दलिया वगैरह रखते हैं, वो धान की टंकी है उधर पीछे, और ये इनमें इन पीपों में है बकरियों के लिए दलिया, और कट्टा में है गाय भैंसों के लिए। सर्दियों में दही क्या है कि जमता नहीं है, आपको पता ही है। दूध जो होता है जमता नहीं है दही के लिए, तो उसको जमाना बताऊंगी कि हम कैसे जमाते हैं गांव में। और मेरे पास बहुत से कमेंट भी आया कि आप बताओ कि कैसे क्या जमाते हैं, तो इस वजह से। और सर्दियों में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है ये दूध का जमना। दूध जाते तो वो जमता नहीं है ऐसे, तो वो बताऊंगी हम कैसे जमाते हैं। और आपको भी कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप भी उसका यूज़ प्रयोग करके दही आसानी से जमा सकते हैं। आपको कि अगर आपके पास दूध थोड़ा है 1 जग के लमसम, तो आपको लेना चाहिए ऐसा ये 1 जग, या तो जग में ले लाना चाहिए थोड़ा है तो, या फिर ऐसे डब्बे में लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के बर्तन अपना सकड़ा होना चाहिए ताकि वो दूध जो है अच्छे से जम सके, अच्छे से दही बन सके उसका। तो और अगर दूध ज़्यादा है तो बड़ी भगोनी में लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है कि चौड़ा, अगर दूध थोड़ा है तो अपन चौड़े बर्तन में डाल देते हैं तो वो जमता नहीं है अच्छे से। तो इस वजह से अगर अपना दूध थोड़ा है तो या तो आप ऐसे सकड़े जग में लीजिए, या ऐसी वाली केटली को डब्बा लीजिए ताकि उसके अंदर दूध जो है अपना अच्छे से जम सके। तो बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है, या दूध थोड़ा है तो ऐसे सकड़े बर्तन में लेना चाहिए अपन को ताकि अच्छे से जम सके अपना दही, और ज़्यादा है अगर दूध तो अपना तपेली या कुछ टाइप का भगोनी टाइप में कुछ हो तो उसमें डाल सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको कि हम कैसे जाते हैं दूध हमारे यहाँ पर। तो मैं आ गई रसोई के अंदर और दूध गर्म हो चुका है। वैसे तो सुबह गर्म कर लिया था, लेकिन वो खाते पीते तब तक 1-2 घंटे हो जाते हैं तो वापस थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो वो कढ़ाया हुआ तो है लेकिन थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं वापस हल्का हल्का। और अब जा देती हूँ मैं उसको और आपको बताती हूँ कितना क्या दूध हम जाते हैं। किचन है हमारा बस इतना सा, और ये खिड़की है सामने, और ये टोकरी बर्तन की, उधर ये फ्रिज, और ये पीछे ताक है फ्रिज के पीछे। और आज छाछ भी बिलोई थी तो अभी तक पड़ी है, इसमें ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची है तो इसको भी धोना बाकी है। और अभी मैं इसको जमाऊंगी तो इसमें ये इतना। तो फ्रेंड्स, जब दूध को जमाते हैं तब दूध को अच्छे से उकालते हैं ना, उसके बाद वो ठंडा होता है तो हल्का हल्का गुनगुना रहता है ना, तब उनको दूध को जमाना होता है। ये बात ध्यान रखना आप। तो अब क्या करते हैं कि ये हम दूध गर्म करके मैं यहाँ पे लेके आ गई बाहर की तरफ। और तो अब जो है दूध गर्म हो गया अपना, और अब सबके घर में ये ऐसी टंकी तो मिल ही जाती है अनाज वगैरह की। तो इसमें क्या है कि इसमें रख देते हैं दूध को, 2 ड्रॉप्स छाछ डाल के, ताकि वो अच्छे से जम जाता है, दही बन जाता है अच्छे से। और अगर ऐसी टंकी अगर आपके पास नहीं हो अनाज वगैरह की, तो दूसरा तरीका भी बताती हूँ आपको। वो दूसरा तरीका यह है कि अपन जब चूल्हा वगैरह होता ही है घरों में, तो जब खाना वाना बनाते तो अंगारे हो जाते बहुत से, तो वैसे अंगारे को किसी पत्थर वगैरह या थोड़ा सा कुछ बर्तन लो, या कुछ तगारी वगैरह कुछ भी बोल ले सकते हैं अपन, उसमें डाल के और उसके ऊपर रख देते हैं जार वगैरह जान वगैरह लगा के, और उसको छाछ वगैरह डाल के रख देते हैं। तो क्या होता है कि उसकी नरमास से, जो अंगारे होते हैं ना उनकी नरमास से, वो दही जम जाता है अच्छे से। तो दूसरा तरीका तो ये है, और आज मैं ये जो तरीका बता रही हूँ ये यहाँ कि हम इसको जान वान लगा के और छाछ वाछ डाल के इसमें से, और फिर इसको टंकी में रख देते हैं, और सुबह जब देखते हैं, मतलब कब भी देखते हैं, तो वो अच्छे से जर जाता है, खाने लायक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, खट्टा भी नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये तरीके हैं हमारे गाँव में दही को अच्छे से जमाने का।
तो इससे क्या है कि दूध जो है अच्छे से जम जाता है। और अब मैं बताती हूँ आप किस किस तरह से हम रखते हैं टंकियों के अंदर। सबके घरों में होती है अनाज वगैरह रखते हैं अपन, तो अपन को क्या करना है, हम हमेशा इसमें सर्दियों के टाइम ऐसे ही इस इन्हें इनके अंदर ही ऐसे जमाते हैं दूध को, ताकि वो अच्छे से दही बन जाए। तो इसके क्या है कि ये कपड़ा इसलिए रखा है कि अनाज जो होता है कि गर्म गर्म थोड़ा सा दूध रहता है तो उसके चीटेगा नहीं, तो इस वजह से इस कपड़े को ऊपर रख देते हैं। तो मैंने ये जग लिया है और अब इसके अंदर रख दिया ये ऐसे अच्छे से रख दिया इसको। और अब इसके अंदर डालेंगे अपन 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स के लमसम छाछ या दही कुछ भी, मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसको रख दिया और अब इसको अपन ढक देंगे किसी प्लेट वगैरह से, और फिर ये सुबह देखेंगे तब अपन अच्छे से ये जम के रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट जमेगा। तो ये एक तरीके हैं गांव के, इस तरह से हम दही जमाते हैं। जम जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह से हमारा दूध जो है अच्छे से जम गया। तो बस इस तरह से हमारे गांव में दही वगैरह है जो जमाते हैं हम। और अगर ये भी नहीं है तो सेकंड नुस्खा भी बता दिया है मैंने, सेकंड नुस्खा भी अपना के आप दही जमा सकते हैं। और अगर सेकंड या फर्स्ट ये नहीं अपनाना चाहते तो एक बात यह भी है कि अगर दूध थोड़ा हो तो उसको चौड़े बर्तन में नहीं जाना चाहिए, हमको चौड़े बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि दूध थोड़ा होता है तो वो जम नहीं पाता है और उसकी नरमाश जो उड़ जाती है जल्दी से। तो अगर सकड़ा रहेगा, अगर कुछ डब्बा है या कुछ जग है उनमें डालेंगे ना तो अच्छे से वो जम जाएगा, ये भी अपना सकते हैं आप। इससे दूध जो है हमारा अच्छे से जम जाएगा और दही भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सर्दियों में तो वैसे भी दही खट्टा कम ही रहता है। तो बस यही टिप्स था कि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से साथ शेयर करें कि हम कैसे जमाते हैं। तो इसलिए मैंने आज दूध को जो है थोड़ा लेट ही जमाया है, मैंने सोचा थोड़े आप सबके साथ भी शेयर कर लूँगी और हमारा काम भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो इस वजह से दूसरा दिन है और अपन अब दही को चेक कर लेते हैं किस तरह से जमा है हमारा दूध। दिखाती हूँ आपको एक बार निकाल के थोड़ा, तो एक बार मैं थोड़ा सा दही निकाल के दिखाती हूँ कि अच्छी तरह से अपना दही जो है दूध जो है जमा है ना। ये देखिए अपना दही कितना अच्छा जमा है, ये देखिए, और खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, मीठा होता है, वाह। तो इस टेक्निक से आप भी एक बार दही जमा के देखना कि आपका दही अच्छे से जमता है या नहीं जमता है। और एक बार और बता देती हूँ, जब दूध को जमाते हो तब ये बात ध्यान रखनी है कि वो कड़ा हुआ दूध होता है जो ठंडा होता है ना, तब हल्का हल्का गुनगुना रहता है, तब उसको जार देना है ताकि वो अच्छे से जम जाएगा। फिर तो फिर इस तरह से देख कितना बिल्कुल अच्छे से जमा है।